2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे वरिष्ठ नेता अपनी जनसभाएं करने में लगे हुए हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। इसी क्रम में आज अलीगढ़ के प्रदर्शनी मैदान में सपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह के समर्थन में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में पश्चिमी से इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चलना शुरू हो गई है और ये हवा आने वाले हर चरण के चुनाव में नजर आएगी और इस बार इंडिया गठबंधन प्रचंड जीत हासिल करेगा। जनता से कहा कि आप सब मिलकर ऐसा ताला बनाओ जो भाजपा वालों के मंसूबों पर लग सके, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कहा इस सरकार ने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और किसानों के साथ भी धोखा किया है। इस सरकार में किसान, नौजवान, गरीब परिवार, आम जनता सब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है, जिसने जनता का एक तिहाई जीवन बर्बाद कर दिया है। 400 पार का नारा देने वाली सरकार इस बार 400 हारने जा रही है, लेकिन गठबंधन संविधान बचाने निकला है और 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। अगर आगामी समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया जाएगा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रचंड मत से जीत दिलाने की जनता से अपील की। आगे उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, देखिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मनचाने नेतागण सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। भैया आपकी हवा चल रही है कि नहीं? हवा चल रही है ना साइकिल की? तो आप ही बना दो इसको 26 को बना दे आप ही। धन्यवाद। मेरे पिता को इस सेवा का अवसर देने के लिए और ये मैं आपको अपनी तरफ से आश्वासन देती हूँ कि ये 5 साल एक एक दिन इन 21 गांव की न्याय और व्यवस्था के लिए मेरे पिता समर्पित रहेंगे, इसका मैं आपको आश्वासन देती हूँ। आप लोगों का हम पर बहुत आभार है। आपने 4 बार मेरे बनाया, 1 बार एमपी बनाया, फिर बनाने जा रहे हो। ऐसा चुनाव और ऐसा जबर जनता का प्यार मैंने किसी प्रत्याशी के लिए नहीं देखा। ये चौधरी विजेंद्र सिंह के लिए जो उनका समर्पण है आपके लिए और जो आपका प्यार है उनके लिए, ये उसकी आंधी है, ये समाजवादी पार्टी की आंधी है, ये कांग्रेस की आंधी है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है जिसमें आप 26 तारीख को वोट डाल के साइकिल पर उनकी ताकत दुगनी करेंगे। करेंगे के नहीं? ना इन नौजवानों की रोजगार के लिए कोई सुनने वाला है, उसका बचाव करना पड़ेगा। हमारे जो मौजूदा सरकार है उसके पास एक ही मुद्दा है, जो बांसवाड़ा राजस्थान में आपने सुनी दिया होगा, हुआ वो अपने अखाड़े में वापस करेंगे। इसलिए कि किसी दूसरे स्थिति के ऊपर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी खूब जानते हैं, खूब समझदार हैं, लेकिन ये जो वो नहीं जानते हैं वो हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की नारी, हमारी भारतीय नारी जो है उसने बार बार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, गांधी जी को, मौलाना आजाद को, राष्ट्रपिता को जन्म दिया है और देती रही है। और आज भी आसमान की तरफ अगर आप देखें और आपके अंदर जरा सी वर्णन शनासी शनासी है तो मुझे ऐसा लगता है माहौल और हवाओं के आरोप देख के वो भी पैदा, गांधी भी पैदा हो चुका है,
चंद्रशेखर जी का स्मरण होता है और हिंदुस्तान की जो नफरत की जो फसल हो गई है उसको बांटने के लिए वो बेताब नजर आते हैं। ये मेरा किताब में चौधरी विजेंद्र सिंह के लिए पुरजोर अपील करूँगा कि आप उन्हें कामयाब बनाने के बाद पार्लियामेंट भेजें। बस वही सवाल उठता है अब किसकी अमानत में हमें कार्य जहाँ है तो अमानत इनकी रखवा दीजिए। चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरु डॉक्टर रजपाल सिंह जी, आप सबके रहनुमा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय महान धरती पर पृथ्वीनारायण सिंह के लाल, देश के नौजवानों की दिल की धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी, मंच में बैठते हुए मेरे सभी सांसद विधायकगण, सभी नेतागण पदाधिकारी पार्टी के अध्यक्ष जी और सभी 36 बिरादरी के सभी महानुभाव और जो हमारे चुनाव लड़े वो सभी भाई और हमसे भी ज्यादा सम्मान के पास इस 36 बिरादरी के देश के मालिकों को, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सबका अपना अपनी तरफ से परिवार की तरफ से सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज ये केवल एक लोकसभा क्षेत्र की भीड़ है, मैं चाहता तो और बहुत कुछ हो सकता था लेकिन मैंने कर्नाटक कर्मे से किया। आपने आज ये सिद्ध कर दिया है कि अलीगढ़ लोकसभा में इस बार हर कीमत पर माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सांसद ही बनेगा। दो बातें कहना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सच्चाई तो यह है कि अलीगढ़ की जनता ने जात का धर्म के सारे कट्टरवाद के बंधनों को तोड़ दिया है। जो आपका विचार था, नेताजी का विचार था कि देश जात जात को लेकर चलता है, किसान मजदूर नौजवान को लेकर चलता है, आपका विचार, आपका उद्देश्य, आपका सपना, नेताजी का सपना, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का विचार आज सबको पूरा करने के लिए अलीगढ़ के सातों जात के लोग इस बार समाजवादी पार्टी के झंडे तले आपको जिता रहे हैं। बीजेपी के लोग जो सांसद चुन करके इस बार इनका सब गणित फेल कर दिया नौजवानों ने और सब गणित फेल कर दिया किसानों ने, नौजवानों ने जो गणित फेल किया उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। आप हिसाब लगा लेना, अगर 60 लाख बच्चों ने जिन्होंने परीक्षा लिखने की तैयारी की थी, 60 लाख बच्चों का परीक्षा छूटी है, नौकरी छूटी है और अगर इनके माँ बाप को जोड़ ले, 3 बोटे घर में जोड़ ले हम अगर, तो 60 लाख का गुणा 3 में हो गया 1,80,00,000 और 1,80,00,000 का अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभाओं से तो बताओ हर लोकसभा में कितना वोट कम हो गया, 2,25,000 वोट कम हुआ है हर लोकसभा में। बताओ उनके पास कोई भरपाई है 2,25,000 वोट कम? महंगाई हुई गई, हुई महंगाई आज बताइए हर चीज महंगी हो गई। अगर आप अरहर की दाल भी खरीदोगे, चने की दाल, तो महंगी हो गई कि नहीं हो गई? आटा महंगा हो गया कि नहीं हो गया? हमारे किसानों का सस्ता गेहूं खरीद लिया और जाकर के बाजार में देखा, देखना जो पैक में आता है आटा, बताओ वो कंपनियां मुनाफा कमा रही है नहीं कमा रही है? इसलिए समाजवादियों ने तय किया है जो राशन गरीबों को मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, उनके स्वास्थ्य को, उनके खाने को पौष्टिक कैसे बनाया जाए उसके लिए अगर हमें जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पौष्टिक आटा बैग खरीदते हैं, हम अपने गरीबों को भी उससे अच्छा बैग आटा दे करके और उनको डाटा फ्री भी देने का काम समाजवादी होता है। जो पश्चिम से हवा चली है, जो पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है।
मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की एक तिहाई जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है एक जीवन की, तो एक तिहाई जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही है जनता। 400 पार, ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके हैं। जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं उसकी सरकार आती है तो वो ज्यादा संपत्ति वालों लोगों का सर्वे कराएगी क्या? देखिए, जिस पर दो मकान है उससे एक मकान नहीं, ये किसी चीज का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है कि सबके अंदर बराबरी हो, सबका साथ सबका विकास। क्या है, आप सबका विकास कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसी योजनाएं हो जिससे सब बराबर चल सकें और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ? सरकार की नीयत तो यही है ना। देखिए, बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो, अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। अरे अब ईडी सीएमए इनकम टैक्स का जवाब जनता बोर्ड से दे रही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को झूठा फंसा दिया गया। अभी जो हमारी जानकारी में चीजें आ रही हैं वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। किसमें? देखिए, चुनाव जो हारता है वो कुछ भी करता है, मरता क्या ना करता। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।